हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डिटेल आई शेडो ट्यूटोरियल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू डू योर आई बेस, देन आई शेडो कैसे अप्लाई करना है, कैसे लैशेस अप्लाई करना है, एवरीथिंग मैं इस वीडियो में इंक्लूड की हूँ। सो अगर आपको डिटेल में देखना है कैसे आपको आई मेकअप करना चाहिए, सही तरीका क्या है, देन ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज एज वेल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आईब्रो को फिल इन कर लूंगी। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ निक्स माइक्रो ब्राउ पेंसिल। ये बहुत थिन पेंसिल है जिसकी हेल्प से आप हेयर लाइक स्ट्रोक दे सकते हो। तो मैं सबसे पहले आउटलाइन कर लूंगी आईब्रोज को, एंड देन मैं धीरे धीरे फिल इन कर लूंगी विथ स्मॉल स्ट्रोक्स। एंड मेरा फेवरेट ब्राउ प्रोडक्ट अगर आप जानना चाहते हो तो दैट इज ABH ब्राउ पोमेड। सो दैट इज माई होली ग्रिल प्रोडक्ट। सो अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो तो गो फॉर दैट प्रोडक्ट, दैट इज अमेजिंग। एंड अदरवाइज आपको अफोर्डेबल में कुछ ट्राई करना है बट गुड क्वालिटी का, देन आप ये निक्स का माइक्रो ब्राउ पेंसिल भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं कंसीलर के हेल्प से क्लीन कर लूंगी आईब्रोज के नीचे। तो कंसीलर के लिए अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर, एंड आई लव दिस कंसीलर गाइज। सो इसके हेल्प से मैं आईलिड को भी प्राइम कर लूंगी सो दैट जो भी पिगमेंटेशन है वो हाइड हो एंड कैंसिल हो, एंड अच्छा क्लीन बेस मिले जिसके ऊपर आई शेडो बहुत उभर के आए। नेक्स्ट मैं फिट मी लूज पाउडर के हेल्प से अच्छे से बेस को सेट कर लूंगी। सो इट इज इम्पॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई ट्रांजिशन शेड, अगर आपको ब्लेंडिंग की जरूरत नहीं है देन आप कंसीलर को सेट मत कीजिए। अगर सेट नहीं करेंगे तो आपको अच्छा पिगमेंटेड कलर मिलेगा। नेक्स्ट मैं ब्राउज को थोड़ा सा उसको भी इन प्लेस रखने के लिए सेट करूंगी विद ब्राउ मस्कारा फ्रॉम निक्स। आईब्रो बोन को भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूंगी। आई शेडो पैलेट के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ट्रेंड ब्यूटी का पैलेट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी, दिस इज फ्रॉम सिग्मा E38 ब्रश। सबसे पहले मैं लाइट मरून शेड को अप्लाई करूंगी अपनी आउटर वी एंड क्रीज पे, एंड ब्लेंड करते रहूंगी इसको अच्छे से। सो कलर को थोड़ा थोड़ा करके डिपोजिट करते हुए आपको ब्लेंड करना है। ये कलर ब्लेंड करने में पर थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था मुझे। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा डीपर शेड को अप्लाई करूंगी आउटर वी की तरफ, एंड इसको भी मैं धीरे धीरे फर्स्ट कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो अच्छा सा ट्रांजिशन क्रिएट करूंगी दोनों कलर को मिक्स करते हुए। नेक्स्ट मैं हाफ कट क्रीज ड्रॉ करूंगी। सो इसके लिए मैं कंसीलर को कंसीलर ब्रश के हेल्प से अप्लाई करूंगी फ्रॉम फ्रंट सेक्शन टू मिड आईलिड, एंड आउटर वी पे मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे ओनली हाफ कट क्रीज ही ड्रॉ करना है। सो धीरे धीरे मैं पहले शेप दे दूंगी जहाँ पे भी मुझे कट करना है, एंड देन सेम कंसीलर को मैं अप्लाई कर लूंगी पूरे लीड पे भी। एंड देन मैं कंसीलर के एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी विथ आउटर वी कलर। सो इसके लिए मैं सेम ब्राउन शेड को फिर से अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं शिमरी शेड अप्लाई करूंगी फ्रंट सेक्शन में, एंड इसके लिए मैं फ्लड ब्रश के हेल्प से उसको अप्लाई कर रही हूँ फ्रंट सेक्शन पे जहां पे कंसीलर अप्लाई किया है।
सो धीरे धीरे कलर को प्लेस करें, और यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं की हूँ, सो मैं हर एक स्टेप को आपको बहुत बारीकी से दिखाई हूँ इस वीडियो में। सो आई होप आपको हेल्पफुल लगेगा ये वीडियो। एंड अगर आपको आई शेडो नहीं अप्लाई करने आता है तो होपफुली इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको सीखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट मैं ब्राउन शेड को फिर से अप्लाई करूंगी शिमरी शेड एंड आउटर वी कलर के बीच में, वहां पे भी थोड़ा सा ट्रांजिशन काइंड ऑफ क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट मैं मेबलिन का जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, और ब्रश के लिए मैंने सिग्मा का E65 ब्रश यूज किया है, यह एंगल ब्रश है। एंड इसके हेल्प से मैं जेल आईलाइनर अप्लाई कर लूंगी। सो सबसे पहले मैं एकदम क्लोज क्लोज लैशेस के अप्लाई कर रही हूँ, एंड देन विंग क्रिएट करूंगी। सो अगर आपको दिक्कत होता है जेल आईलाइनर अप्लाई करने में, देन आप आइदर स्केच आईलाइनर और पेन आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो आप लिक्विड आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप बिगनर हो तो आई विल सजेस्ट कि आप पेन आईलाइनर अप्लाई करो, वो थोड़ा सा इजी होता है बिकॉज उसमें आप ग्रीप अच्छे से कर पाते हो और बार बार आपको डिप नहीं करना पड़ता है, सो वो थोड़ा सा इजी है बिगनर के लिए। एंड इसके बाद मैं लिक्विड आईलाइनर से टॉप अप करूंगी, इससे शार्प एजेस मिलता है। तो नेक्स्ट मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ आउटर वी पे क्लीन लुक देने के लिए। तो आइदर आप यहाँ पे टेप अप्लाई कर सकते हो, इन दैट केस आपको कंसीलर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तो आप क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट मैं सेम जेल आईलाइनर को अप्लाई कर रही हूँ अपने लोअर लैशेस के क्लोज क्लोज। सो एज ए आईलाइनर अप्लाई करूंगी एंड थोड़ा सा इसको स्मच कर दूंगी विद दैट ब्राउन शेड, तो थोड़ा सा स्मोकीनेस आएगा लोअर लैशेस पे। एंड उसके लिए मैं ब्रश यूज कर रही हूँ E55 ब्रश, एंड सेम ब्राउन शेड को मैं अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैशेस के क्लोज क्लोज, एंड ब्लैक शेड के साथ स्मच करते रहूंगी। नेक्स्ट मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी जो शिमरी शेड है पैलेट में उसके हेल्प से, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है एज यू कैन सी, सो बहुत ही अच्छा ये शेड है, सो इसके हेल्प से फेस भी हाईलाइट किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं मस्कारा के लिए अप्लाई कर रही हूँ माई ऑल फेवरेट मेबलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा, सो लोअर एंड अपर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूंगी। एंड लुक एट दैट विंग आईलाइनर, ओ माई गॉड आई लव इट। सो विंग आईलाइनर लगाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट मैं फॉल्स आईलैशेस के साथ आई मेकअप को कम्प्लीट करूंगी। सो यहाँ पे फॉल्स आईलैशेस के लिए मैंने यूज किया है पैक का M73 फॉल्स आईलैशेस। इसके साथ फिनिश होता है मेरा आई मेकअप ट्यूटोरियल। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और डिटेल में मैं